भारत के राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसके पीछे की वजह है कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा उन्हें असीमित सुविधाएं दी जा रही हैं। एक तरफ उन्हें 40 लाख का फ्लैट दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नौकरी दी गई है और घर बैठे तनख्वाह भी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी सुरक्षा में 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो रही है और वहां दूसरी तरफ उनका पति रोता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जो ऑडियो क्लिप दरअसल अंजू और अरविंद का है। अंजू अरविंद को भद्दी गालियां देती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तू सोच भी नहीं सकता, और इसके बाद वो अरविंद को गालियां निकालनी शुरू कर देती है। और अंजू पर भड़कता हुआ यहाँ अरविंद भी नजर आता है। अरविंद कहता है कि तूने वहां जाकर सगाई कर ली है और तूने इस्लाम कबूल कर लिया है, तूने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इस पर अंजू कहती नजर आई है कि मेरी मर्जी, जो मन करेगा वो करूंगी, और मैं किस हद तक जा सकती हूँ तू सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहती हुई अंजू नजर आ रही है। जाहिर है कि अंजू को शय मिली हुई है पाकिस्तान की तरफ से, नसरुल्ला की तरफ से। वहाँ उसे सभी सुविधाएं मिल रही हैं, फ्लैट मिल रहा है, हर चीज़ की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, और इतना सब होने के बावजूद भी अंजू को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक साधारण सी लड़की के लिए पाकिस्तान इतना मेहरबान क्यों नजर आ रहा है। फिलहाल अरविंद और अंजू का झगड़ा साफ नजर आ रहा है। अरविंद भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने अरविंद के साथ गलत किया है, और अंजू लगातार भद्दी गालियां देती हुई अपने पति को नजर आ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।